हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आर यूट्यूब चैनल भालट फैमिली। मैं हूँ पायल, मेरी ओर से आप सभी को नमस्ते। और फ्रेंड्स, आज हम निकले थे फादर्स डे का सेलिब्रेशन के लिए। हमारे साथ थी एक फैमिली, परमी जी के फ्रेंड हैं वो थे, और उनकी वाइफ और उनका प्यारा सा बेटा। फ्रेंड्स, सब खाना खा चुके थे। खाना यहाँ का बहुत ही टेस्टी होता है, नटराज है इस रेस्टोरेंट का नाम। और खाना खाने के बाद बस मैं ले रही थी मैंगो लस्सी। सब कर रहे थे बातें कि अब घर जाएं सीधा या फिर कहीं घूमने निकले, तो बस फिर प्लान बना कि थोड़ा सा घूमने निकलते हैं। और फिर हम निकल गए जो यहाँ पर रूशियो है, रूशियो जगह है यहाँ पर, वहाँ पर चले गए आइसक्रीम खाने के लिए। और फ्रेंड्स, फिर घूमते घूमते ऋषि के पास ये वाली जगह भी पड़ जाती है। बस फिर हम घूमते घूमते बायवॉक यहाँ तक आ गए थे। यहाँ पर ठंड लगती है रात के टाइम तो थोड़ी, लेकिन देखने में बहुत ही सुंदर है। यहाँ पर भी काफ़ी सुकून मिलता है यहाँ आकर। और बस फिर यहाँ आए बच्चों ने, काफ़ी यहाँ पर इंजॉय किया। बस उसके बाद फिर हम घर की तरफ निकल पड़े। और ये है यहाँ का रेलवे स्टेशन, जो बाहर से रेलवे स्टेशन बिल्कुल भी नहीं लगता, देखने में बहुत ही सुंदर लगता है। और ये है अंदर से रेलवे स्टेशन का व्यू। ये नेक्स्ट डे है जब मैं और मीनू दीदी आए थे। हमें मीनू दीदी की जो बड़े वाले बेटे हैं उनका जो पास है वो रिचार्ज करवाना था। यहाँ पर क्या होता है, 13 साल तक तो बच्चे का जो है पास, जो ट्रैवलिंग पास है, फ्री होता है, लेकिन 13 साल के बाद उसको रिचार्ज करवाना पड़ता है। वैसे तो डिस्काउंट कम्प्लीटली फ्री होगा 13 साल से कम के बच्चों का, लेकिन 13 साल वाले बच्चों का रिचार्ज होगा एवरी मंथ 30 यूरो का। और ये है फ्रेंड्स यहाँ की सबसे पुरानी लिफ्ट, बहुत से लोगों को अट्रैक्ट करती है। मैंने तो फर्स्ट टाइम देखी 5 सालों में, क्योंकि मैंने इतना ज़्यादा लिस्बन का ट्रैवल नहीं किया है। लेकिन मीनू दीदी को इन्फॉर्मेशन थी, उन्होंने कहा ये सबसे पुरानी लिफ्ट है यहाँ की। और देख, सच में यहाँ पर बिल्कुल एक अलग सा ही माहौल था। कहीं म्यूज़िक चल रहा था, बहुत से टूरिस्ट आए हुए थे, तो बहुत ही सुंदर थी ये जगह भी, और बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पर आकर। और आगे आगे जैसे ही चलते गए तो इस तरह से काफ़ी चीज़ें भी यहाँ पर मिल रही थी ऑन द रोड ही। छोटी छोटी चीज़ें, छोटी छोटी सी आइटम्स होती हैं डेकोरेशन के लिए, वो सब मिल रहा था यहाँ पर। और सच में बहुत ही अच्छा लगा, जिस तरह ये रखे हैं यहाँ पे छोटी छोटी सी चीज़ें। ये बिल्कुल ही पिंक था ये जो शॉप थी बाहर, यहाँ पर सब पिंक कलर की डेकोरेशन थी। और किसी को फ़ोटोज़ करवानी हो यहाँ पर फ़ोटो करवा सकते हैं। और यहाँ पर ये लोग खड़े होकर डांस कर रहे थे। अभी अभी इनका डांस यहाँ पर थोड़ा सा बंद हुआ था। बस उसके बाद फिर हम निकल पड़े जहाँ पर हमें जाना था। हम वेट कर रहे थे कि हमारी ट्रैम कब आए, तो बस ट्रैम की एग्जैक्ट लोकेशन के लिए चलते 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 ही जा रहे थे, जिस पॉइंट तक पहुंचना था वहां तक। फ्रेंड्स, फाइनली ये ट्रैम आ चुकी थी जिसमें हमें बैठ के जाना था। बस फिर हम ट्रैम में बैठ गए और निकल पड़े जहां हमें जाना था। और यहां पर हम उतर चुके हैं। अब यहां से जो हमारा टेलर था उसका जो डिस्टेंस था 5 मिनट वॉक का ही था। आप सभी को नमस्ते, और परमीत जी की ओर से भी सबको हाय, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्ते, राम राम भाई सबना, और ठीक ठाक सब। आज हम अकेले आते हैं, आज आपको
एक बढ़िया सी ब्यूटीफुल जिसको कहा जाता है धरती का जन्नत। चलते हैं स्विट्जरलैंड। ठीक है जी, मिलते हैं बाकी स्विट्जरलैंड में। हाँ, बच्चों की छुट्टियाँ हो चुकी है तो हम निकले हैं वेकेशन टाइम। अच्छा सा वेकेशन टाइम स्पेंड करने के लिए बच्चों के साथ। बच्चों के ताऊ ने प्लान किया है। ठीक है जी, अभी देखते हैं जाके कैसे। तो फर्स्ट एक्सपीरियंस है हमारा स्विट्जरलैंड, फर्स्ट टाइम जा रहे हैं। देखते हैं जाके क्या कैसा है। बहुत सुना है स्विट्जरलैंड के बारे में, क्या सच में ही ऐसा है? तो जैसा भी हमारा एक्सपीरियंस रहेगा हम जरूर शेयर करते रहेंगे। और कोशिश है कि जल्दी से जल्दी स्विट्जरलैंड को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोर करूँगी, और जितना एक्सप्लोर करूँगी और उतना ही वहाँ के व्लॉग्स बनाऊँगी। तो अभी हम पहुँचे हैं, अभी हम लिस्बन एयरपोर्ट पर हैं। हमारी फ्लाइट किस टाइम की है? 6 o'clock की है। अभी हमारे पास काफ़ी टाइम है, तो बस खड़े हैं यहाँ पर वेट कर रहे हैं। और जैस झूले ले रही है। और फ्रेंड्स, हम बैठ चुके हैं फ्लाइट में, और अभी जो टाइम हुआ है पुर्तगाल में लिस्बन का, सुबह के 6 बजे हैं। बस एक्साइटमेंट है स्विट्जरलैंड जाने की, क्योंकि हमारा फर्स्ट टाइम है तो इसलिए सब बहुत खुश हैं। बस 2.5 घंटे का सफ़र है, उसके बाद हमें पहुंच जाना है स्विट्जरलैंड। और फिर और ये है ज्यूरिक एयरपोर्ट। हम पहुँच चुके हैं स्विट्जरलैंड। यहाँ पर लिखा हुआ है वेलकम टू ज्यूरिक। ज्यूरिक जो है यहाँ की कैपिटल है। बस ये है यहाँ का एयरपोर्ट। और फ्रेंड्स, फिर स्विट्जरलैंड पहुंचते ही हम सब ने खाया यम्मी सा टेस्टी सा खाना, जो बहुत ही टेस्टी था। और फ्रेंड्स, हम पहुंच चुके हैं स्विट्जरलैंड। हमारा है आज यहाँ पर पहला दिन, और हमारे है शिवानी दी। आजो आजो, स्काई ब्लू स्काई ब्लू। बाहर बारिश हो रही है। हाँ, और हम जा रहे हैं अभी बाहर। बाहर हो रही है बारिश, और आपको दिखाते हैं बाहर का बहुत ही ब्यूटीफुल सा व्यू। जैसा सुना था स्विट्जरलैंड के बारे में, बिल्कुल वैसा ही है। बहुत ही सुंदर, यानी कि इनके अगर किचन से भी बाहर झांक कर देखे तो बड़ा ही ब्यूटीफुल सा व्यू है। अभी दिखाएंगे आपको। तो चलिए, हमारे साथ आज है स्विट्जरलैंड का पहला व्लॉग, और कोशिश करेंगे कि जहां जहां जाएंगे ऐसे ही डालते रहेंगे व्लॉग यहाँ का। और अभी दिखाते हैं आपको बाहर का व्यू। और मुझे जाना था अभी बाहर, लेकिन बाहर हो रही है बारिश, अचानक से बारिश स्टार्ट हो गई। और फिर जैस भी थी, और जैस कहती थी मैं भी साथ जाऊंगी, तो इसलिए फिर मैं बाहर जाना मैंने अभी कैंसिल किया। लेकिन आपको यहाँ से दिखाती हूँ यहाँ का व्यू, ब्यूटीफुल। और फ्रेंड्स, हमने खा लिया है खाना, रात का खाना हो चुका है सबको, और अब निकले सबके सब वॉक के लिए। और फ्रेंड्स, ये घर के पास जैसे ही हम वॉक के लिए निकले, लेकिन घर के पास एक शॉप थी जो क्लोज हो चुकी थी, लेकिन मुझे सब देखने में बहुत ही अच्छा लगा, तो मैंने सोचा क्यों ना इसको भी कैप्चर किया जाए, बहुत ही सुंदर लग रहा था। और फ्रेंड्स, हम सुबह का टाइम है, हम सब निकले थे मार्केट की, और हम एक शॉप पर जाना था, कैटरिंग शॉप पर बर्तन लेने के लिए, क्योंकि हम सब कल करेंगे, यानी नेक्स्ट डे हमें करना है एक पार्टी सेलिब्रेशन, तो उसके लिए कुछ बर्तन लेकर आने थे।
फ्रेंड्स, ये है वो शॉप, वो जगह जहाँ पर हम आए थे बर्तन लेने के लिए, और यहाँ से बस इस तरह से बर्तनों को लिया गया, उनको गाड़ी में रखा गया। बस ये फैसिलिटी है यहाँ पर, आप अपने अकॉर्डिंग कि आपको कितने लोगों के लिए गैदरिंग करनी है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ से बर्तनों का अरेंज कर सकते हैं, और जैसे ही आपकी पार्टी ख़त्म होती है तो उसके बाद आप बर्तनों को यहीं पर वापस कर सकते हैं। और प्लस पॉइंट, आपको कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको सारे बर्तन साफ़ करके ही देने हैं, ऐसी कोई टर्म एंड कंडीशन नहीं है। आप बर्तनों को यूज़ करो, खाना बनाओ और उनको ऐसे यहाँ पर वापस करके चले जाओ, क्योंकि ये लोग उसके बाद दोबारा खुद वॉश करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का पहला व्लॉग स्विट्ज़रलैंड से, और ऐसे कोशिश करूँगी कि डेली एक व्लॉग डालती रहूँगी। और फ्रेंड्स, आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा, आपने इंजॉय किया होगा, और अब मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।